हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सेलर शुक्ला में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग माय फ्रेंड। आज फ्रेंड मैं डीजी शिपिंग के ऊपर बात करूंगा। काफ़ी लड़कों का कमेंट आया था, सर डीजी शिपिंग क्या होता है, एक डीजी शिपिंग के ऊपर वीडियो बना दीजिए। और काफ़ी भी कमेंट आए हैं डीजी शिपिंग, आईमो, एमएमडी, आईमो के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, को नेक्स्ट एमएमडी के ऊपर वीडियो बनाना है। आज फ्रेंड मैं इस टॉपिक बात करूँगा डीजी शिपिंग क्या होता है, और मर्चेंट नेवी से थोड़ा बात करूँगा उसका कैरियर के ऊपर। मैं काफ़ी लड़कों को बता रहा हूँ, काफ़ी लड़कों को मैं गाइड कर रहा हूँ, तब भी समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कैरियर के ऊपर बात करूँगा। पहले चलते हैं, आपको डीजी शिपिंग बताते हैं डीजी शिपिंग क्या होता है। डीजी शिपिंग का फुल फॉर्म होता है डेकोरेट जनरल ऑफ शिपिंग। इसका मतलब ये होता है द डेकोरेट जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, हेल्थ, विसल एंड एनवायरमेंट फॉर इंडिया रजिस्टर्ड शिप एंड शिप्स एट इंडियन पोर्ट, अटैच्ड आर्टिफिशल लाइसेंस अटैच्ड टोटल कॉलेज डीजी शिपिंग कॉलेज। इसका मतलब ये होता है पूरा नौवाहन महानिदेशालय भारत सरकार के जहाज मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है जो भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय पंजीकृत जहाज़ों और जहाज़ों के जीवन, स्वास्थ्य, पोत और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है। और आरपीएसएल का फुल फॉर्म होता है रिक्वायरमेंट प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस। आरपीएसएल का काम ये वाला, आरपीएसएल वालों का ये काम होता है क्रू को साइन इन या साइन अप कराना और कंपनियों को माइनिंग करना। साइन इन साइन अप का क्रू का टोटल माइनिंग होता है उन्हीं का, जितना या सेकंड ऑफिसर हो, कोई भी क्रू हो या कैप्टन हो, उसका साइन इन साइन अप आरपीएसएल ही कराता है। और कॉलेज भी अटैच होते हैं, जो कोर्स जैसे नए नए कोर्स आते हैं या STCW हो या DNS हो या BSc नॉटिकल साइंस, ये सब कॉन्टेक्ट डीजी शिपिंग के थ्रू ही होते हैं, रजिस्टर्ड कॉलेज होते हैं, डीजी अप्रूव्ड, ये सब चीज़ डीजी शिपिंग देखता है। यही सब डीजी शिपिंग होता है भाई। काफ़ी लड़कों का कमेंट था, मैं कन्फ्यूज़न सबका ख़त्म कर दिया भाई। गाइज मैं करियर के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक मैं मीटअप किया था मुंबई में Sector 11 में, एक लड़का था नाफिस करके, मैं उसको काफ़ी चीज़ें गाइड किया था। जो प्रॉब्लम है उस पर बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ को मैं गाइड किया था भाई। मैं एक आर्टिफिशल नंबर 450 सी फेर ये सर्टिफिकेशन उसका मैं ऑफिस भी दिया था, उसका मैं कॉन्टेक्ट भी करा दिया, उसके बावजूद भी उसके साथ फ्रॉड हुआ। फ्रॉड किसने किया? उसने नहीं किया, एजेंट ने। बढ़िया, मैं एजेंट को गुड एजेंट का नंबर भी उसको दिया था, उसके बावजूद भी एक लड़का उसको मिल गया, ठीक है फ्रेंड। उसने एक दो का भले कराया हो या न कराया हो, नाफिस को उसने पटाया अच्छे से, बातों में अपना फांस लिया, अपने जाल में फांस लिया। फांसने के बाद एक्चुअली में उसके साथ 2-3 दिन रहा, उससे 25-30 हज़ार रुपये लिया, उसका डॉक्यूमेंट्स लेके फुर हो गया। सोचो ये चीज नहीं भाई। तभी कहता हूँ भाई, कभी भी किसी के हाथ में पैसा मत दो, पैसा देने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। जो अच्छे एजेंट हैं, जो आरपीएसएल वाले हैं, उन्हें को पैसा देना चाहिए, हमेशा बोल रहा हूँ। पैसा दो अच्छे एजेंट को, दो यार फेक एजेंट को पैसा ना दो। जैसे भाई नाफिस के साथ तो ये प्रॉब्लम हुई, ये आप साथ घटना ना घटे, इसलिए बता रहा हूँ। नाफिस की कल कॉल आई थी मेरे पास, मैं उसको बता रहा हूँ, काफ़ी चीज़ गाइड कर रहा हूँ, तब भी वो सब चीज़ें इग्नोर करता चला। मैं इससे ज़्यादा भाई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है क्या, गाइड करना आप लोगों को। आप लोगों के काम क्या, मेरा काम है रास्ता बताना, आप लोगों का काम है आपको मंजिल तक पहुँचना। आप लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये सीन है। मेरा काम है रास्ता बताना, मैं मंजिल तक लेकर नहीं पहुंचा सकता हूं, मैं आपको रास्ता ही बता सकता हूं। अब भी बोल रहा हूं, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। कोई भी फॉर्म निकलता है वाच कीपिंग COP में, सबकी फ्री में अप्लाई करता हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। और कोई लड़का एजेंट थ्रू भी जा रहा है, काफ़ी लड़के हमको कॉन्टेक्ट लेटर भी भेजते हैं, काफ़ी लोग भेजते हैं कॉन्टेक्ट लेटर, भेजते हैं फ्लाइट टिकट, भेजते हैं वीज़ा, सब लोग भेजते हैं। मैं चेक करके बताता हूँ भाई इंस्टा पे। और एक लड़के ने कल भेजा था, उसने उसका नाम क्या है, नाम क्या है, राजेश सरना करके उसका नाम, उसने कल भेजा था, उसकी ज्वाइनिंग है 4-5 दिन में। सर कल विसल डिटेल्स पूरी भेजा था, मैंने बताया हूँ, अच्छा था वो भी। एक्चुअली में यही सीन, ज्वाइन करने के पहले किसी को पैसा मत दें, कॉन्टेक्ट लेटर, फ्लाइट टिकट, वीज़ा सब हाथ मिल जाओ, उसके बाद पेमेंट करना चाहिए। तब भी आपको डर लग रहा है, कॉन्टेक्ट लेटर मेरे पास भेजो, फ्लाइट टिकट मेरे पास भेजो, वीज़ा मेरे पास भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
साहब आपको मैं चेक करके बताएगा पैसा पेमेंट करना है कि नहीं है, राइट है कि फेक है। भाई आपकी मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकता। और एक चीज़ ध्यान रखो भाई, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर क्यों मांगते हो? आप इंस्टा पे रिप्लाई करते हो, मैं आपका पूरा आंसर देता हूँ, आप कमेंट भी करते हो, मैसेज भी करते हो, मैं सबका रिस्पॉन्स देता हूँ, सबका आंसर देता हूँ, ठीक। तब भी यार कॉन्टैक्ट नंबर क्यों लेते हो भाई? कॉन्टैक्ट ले रहे हो, हमारा बहुत लोगों के पास पहुँच चुका अभी तक, हमको दिक्कत हो रही। एनी टाइम पे कॉल कर देते, कभी भी कॉल करते, मैं फ़ोन बजा करता। मैं देखो जो रिश्तेदार उनके भी फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ, उनकी वजह से काफ़ी हमको प्रॉब्लम हो रही है। एक क्वेश्चन के लिए चार चार बार कॉल करते हैं भाई। जैसे आप इंस्टा पे करिए, इंस्टा पे आप लोग इंस्टाग्राम पे करिए, उसके बाद आपको रिप्लाई में देगा भाई। देखो एक्चुअली मैं आपका जो अर्जेंट वाला मैसेज होता है मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ, जो कमेंट में डिस्कस वाला हो तो थोड़ा लेट कर देता हूँ, डिले मैं सबका भाई रिप्लाई देता हूँ। आज तक ऐसा नहीं जो मेरे पर मैसेज आया हो या कमेंट सेक्शन में आया हो, यूट्यूब पे आया हो कमेंट सेक्शन में, या इंस्टा पे आया हो, मैं रिप्लाई ना दिया हूँ, आज तक हो ही नहीं सका। मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, 24 घंटे देने के अंदर कोशिश करता हूँ, जितना हमसे हो रहा भाई आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। आप लोग तब भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे भाई, कहना सब्सक्राइबर बढ़ाइए कम से कम। कुछ नहीं भाई, जितने 1000 सब्सक्राइबर धीरे धीरे हो रहे हैं, 800 हो गए भाई, एक एक सब्सक्राइबर तुम लोग दे दोगे कितना हो गए, 1600 हो गए, चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा भाई, आप लोगों को हेल्प भी करने में हमको अच्छा लगता है भाई, वो सीन होती भाई। फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें भाई। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, रिस्पॉन्स दो भाई, ठीक है फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।